नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर तेज हुई है कोरोना की रफ्तार। उत्तर प्रदेश में अब तक 19,557 लोग संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में 700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब तक सूबे में 6,375 एक्टिव केसों की संख्या हो गई है। तो इस तरह से कोरोना लगातार फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटे में 700 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और अब तक उत्तर प्रदेश में 6,375 एक्टिव केस भी हैं। तो ये रफ्तार तेज हुई है, लेकिन सरकार ने भी पूरी कमर कसी हुई है कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए। बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई हैं और कोरोना की गाइडलाइंस जो पालन नहीं करेगा उसके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसीलिए एक तरफ कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी तरफ सरकार की जो तैयारियां हैं वो भी पूरी तरह से नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी जो पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें, तमाम जो मामले हैं कोरोना केसेस के वो सामने आए हैं। तकरीबन 700 से ज़्यादा ये मामले बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। हालांकि चिंता तो बढ़ाता ही है। चलिए बात कर लेते हैं होली की। मथुरा के नंदगांव में लठमार होली का आयोजन किया गया है, जहां पर बरसाना के होरियारों ने, नंदगांव की होरियारियों ने होली खेली, जिसे देखने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए नंदगांव की होली की स्पेशल रिपोर्ट। बांके बिहारी की नगरी मथुरा में होली का अद्भुत नजारा इन दिनों देखने को मिल रहा है। कभी फूलों की होली तो कभी लठमार होली के जरिए बरसाने में धूम देखने को मिल रही है। बरसाने में जहां लठमार होली खेली गई, तो वहीं उसे अगले दिन बरसाने के होरियारे नंदगांव की होरियानों से होली खेलने पहुंचे। यहाँ हर साल नंद भवन में होली की खूब धूम मस्ती है। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक ये दोनों उत्सव अपने आप में अद्भुत और दिव्य है। नंदगांव यानी भगवान कृष्ण की लीला स्थली। नंदगांव राधा रानी के गांव बरसाने से केवल 8 किलोमीटर दूर है। यहां की परंपरा के मुताबिक पहले बरसाने में लठमार होली खेली गई, जहां नंदगांव के होरियारे बरसाना पहुंचे। उन्होंने राधा रानी के गांव की हुरियारिनों के संग परंपराओं को निभाते हुए होली खेली और फिर फाल्गुन शुक्ल दशमी के दिन बरसाना के हुरियारे नंदगांव पहुंचे और यहां की हुरियारिनों संग लठमार होली खेली। बरसाना के हुरियारों के स्वागत के लिए नंद भवन को भव्य रूप से सजाया गया। इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। तो आपको कितना समय हो गया यहाँ पर होली खेलते समय? इस बार कैसी रही? कैसा महसूस कर रही हैं आप होली खेलते? सखी रहती है नंदगांव से, फिर सखी रहती है बरसाने के ग्वाल रहते हैं, हो रही है तो परंपरा चली आ रही है कृष्ण भगवान की। ये भगवान राधा कृष्ण का, भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रत्यक्ष में लीला है। कल जो 23 तारीख थी तो भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ बरसाना गए हुए थे और आज गोपियां भगवान से अपना फगुआ लेने के लिए आई हुई है और यहाँ प्रेम पगी लठियाओं के रूप में आज गोपियां अपना फगुआ ले रही हैं। भगवान नंद बाबा और यशोदा मैया ने महल में खड़े होकर के सभी बरसाने की गोपियों को प्रसन्नता पूर्वक होली का फाग दे करके, मिष्ठान और वस्त्र आभूषण दे करके विदा किया था। यह तभी से परंपरा चली आ रही है और तभी से इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। आज किस तरह से होता है यहाँ पर समाज गायन और क्या परंपरा चली आ रही है?
नंदग्राम वाले होली खेलने गए थे हमारे यहाँ बरसाना, तो वो हमसे गोपियों से वादा करके आए थे कि हम कल आओ और हमारे से फगुआ लो। तो गोपियाँ आई हैं यहाँ पर बरसाने की, आज आए गोपनी गोपियाँ हैं जो नंदन बाबा के यहाँ पर लाला के यहाँ पर होली खेलने आई हैं, उनसे फगुआ मांगने आई हैं कि लाला हमको परसों परम मतलब दिया, हमारा जो पुराना मिलन है हमारा जो मिलन निभाओ और हमको फगुआ दो। फिर यहाँ पर भी गोपियाँ और गोपियों ने आपस में होली रखा हमारे। राधा कृष्ण की अलौकिक होली देखने के लिए भगवान सूर्य भी कुछ क्षण के लिए स्थिर हो जाते हैं। मान्यता है कि जब तक गोपियां होरियारे और कान्हा के साथ होली नहीं खेलती तब तक सूर्य नहीं छिपता है। वाकई अगर आपने बरसाना और नंदगांव की होली नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा, यहाँ की होली में प्रेम बरसता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चुनाव भले ही बंगाल में हो लेकिन काशी में चुनावी होली देखने को मिल रही है। गायक बंगाल चुनाव पर होली के गीत गाकर होली का माहौल बना रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, रंग भरी एकादशी के मौके पर बुधवार को बनारस होली के अंदाज में नजर आया। पूरी काशी में लोगों ने बाबा संग होली खेली जिसके साथ काशी में रंगोत्सव की शुरुआत हुई है। इस दौरान काशी के कलाकारों ने बजरे पर होली स्पेशल गायन का आयोजन किया जिसमें मोदी और ममता पर गाए गीतों ने महफिल में चार चांद लगा दिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर जिला जेल में एसटीएफ की छापेमारी हुई है। फतेहगढ़ में कारागार विभाग में एसटीएफ ने छापेमारी की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीके शुक्ला ने ये छापेमारी की और डीजी जेल आनंद कुमार के निर्देश पर ये छापेमारी हुई है। तो जिला जेल में मोबाइल समेत अवैध वस्तुएं बरामद की गई हैं। फिलहाल मामले में 3 जेल वार्डन निलंबित किए गए हैं। डिप्टी जेलर जितेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और साथ ही साथ जेल अधीक्षक गिरजा शंकर यादव को पद से भी हटा दिया गया है और अखिलेश कुमार को फतेहगढ़ का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। तो कार्रवाई भी हुई है, 3 जेल वार्डन निलंबित किए गए हैं और साथ ही साथ डिप्टी जेलर जितेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आखिर ये किस वजह से हुआ है। और जो जेल अधीक्षक हैं गिरजा शंकर यादव, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। ओम पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े। ओम, जिला जेल में एसटीएफ की छापेमारी हुई है, क्या कुछ चीजें बरामद हुई है इसके बाद और क्या कार्रवाई हुई है? लगातार जो फतेहगढ़ जिला जेल है उसमें लगातार शिकायतें मिल रही थी, इसी आधार पर जो डीजी जेल आनंद कुमार है उन्होंने निर्देश दिया था। आपको बता दें पीके शुक्ला जो वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं उनके दिशा निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी जिसमें से अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ पीएससी के 16 ऐसे सिपाही हैं जो इस टीम में शामिल हुए थे और उसके साथ साथ फतेहगढ़ में डीप सर्च मेंटल डिटेक्टर के तहत जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें से जो महत्वपूर्ण बात यह है कई ऐसे मोबाइल्स हैं वो प्राप्त हुए, उसके साथ साथ उपरोक्त में अवैध वस्तुएं भी जो जिला जेल से मिली। इसी आधार पर जो है डीजी जेल आनंद कुमार ने बड़ी कार्रवाई भी की है। इसी क्रम में 3 ऐसे जो जेल वार्डन हैं वीरेंद्र सिंह, जयप्रकाश यादव, संजीव कुमार को तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन न करने के कारण अनुशासनहीनता में कार्रवाई करते हुए जो डिप्टी जेलर हैं जितेंद्र कुमार उनको कारागार मुख्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही शंकर सबसे महत्वपूर्ण बात है गिरजा शंकर यादव जो जेल अधीक्षक हैं उन पर भी कार्रवाई की गई, उन्हें प्रशासनिक पर्यवेक्षण के साथ लापरवाही में चलते जिला जेल फतेहगढ़ से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार जिला प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ जेल उन्हें भेज दिया, लखनऊ जेल में उन्हें सम्मत कर दिया गया है। इसके साथ साथ अनुशासन कार्रवाई करते हुए उनको वहां पद से हटाने के बाद जो मौजूदा उन्नाव के जेल अधीक्षक हैं उनको वहां पर तैनात कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद ओम पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में जल्द बनेंगे 2 नए पुलिस कमिश्नरेट। जी हां, वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट होंगे और कैबिनेट के जरिए आज प्रस्ताव पास किया जाएगा। शाम 7 बजे कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लग सकती है। नोएडा लखनऊ में पहले से ही
पुलिस कमिश्नर हैं और यूपी में भी 4 पुलिस कमिश्नरेट होंगे। तो एडीजी स्तर के अधिकारी इस पुलिस कमिश्नर होंगे और साथ ही साथ पहले लखनऊ और नोएडा के बाद अब कानपुर और बनारस में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है। आज बैठक है, शाम को 7 बजे उसमें इस पर फैसला लिया जा सकता है। अवनीश हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े। अवनीश, पहले लखनऊ नोएडा में लागू किया गया था पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, अब खबर क्या है आपकी, कानपुर और बनारस में भी इसे लागू करने की तैयारी है? उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक है और ये दूसरी ही कैबिनेट बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और मुख्यमंत्री शाम को 7 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे और उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि वाराणसी और कानपुर को कमिश्नरेट बनाया जा सकता है, उसके लिए प्रस्ताव आया है और इस प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही लखनऊ और नोएडा को कमिश्नरेट बनाया गया था, जिसके बाद दावा किया गया था कि अगर कमिश्नरेट से कानून व्यवस्था बेहतर होती है और कहीं कहीं जो प्रयोग है उत्तर प्रदेश का वो बेहतर होता है, तो ऐसे में सभी महानगरों को कमिश्नरेट में बदला जाएगा और उसी की एक पहल है कि नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरेट की सफलता के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और कानपुर को कमिश्नरेट करने का फैसला लिया है और उसी के तहत आज प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट में जैसे ही पास होता है तो लखनऊ और वाराणसी में भी एडीजी जोन के पुलिस कमिश्नर बैठाए जाएंगे। लेकिन बदलाव की जो बात अवनीश कही जा रही थी, कितना बदलाव देखा गया इस व्यवस्था के बाद? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था की बात होती है, जो पहले व्यवस्था होती थी, पहले जिले में जिला प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सामंजस्य बना के काम करना होता था, उसी को लेकर एक प्रयोग किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। अगर पुलिस कमिश्नरेट होगा तो बहुत सारी जो पावर होती है लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी वो पुलिस के पास होगी और ऐसे में उनको मंजूरी के लिए किसी का इंतजार नहीं करना होगा, उसी के तहत पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू की गई है और कहीं ना कहीं उसमें सफलता भी हासिल की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जिस तरीके से नोएडा में हुआ, जिस तरह से लखनऊ में जो कानून व्यवस्था बेहतर बनाने की पूरी एक व्यवस्था थी और पूरी तरह आधुनिक पुलिसिंग की व्यवस्था थी, उसको कहीं ना कहीं कामयाबी मिली और उसी के बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि अगर लखनऊ और नोएडा में अगर पुलिस कमिश्नरेट सफल प्रयोग होता है तो उसके बाद जो अन्य महानगर हैं उनमें भी धीरे धीरे पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था की जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।